शैतवानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए गुजरात से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। गुजरात के सितंबर के सर्वे के मुताबिक यहां पर भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। जी हां, अब जिस तरह से लगातार गुजरात इलेक्शन को लेकर सर्वे किया जा रहा है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी वहां पर थर्ड पोजीशन पर आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सर्वे के मुताबिक हमको ये खबर मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 28% वोट हासिल हो सकते हैं और 70 से 77 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नज़र आ सकती है। और उसके बाद यहाँ पर अगर सरकार कोई बना पाता है, अगर सरकार यहाँ पर कोई बहुमत साबित कर पाता है तो वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी बेहद मजबूत नज़र आ रही है और जिस तरह से वो काम को आगे बढ़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उनकी मेहनत गुजरात में रंग लाती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर 42% आम आदमी पार्टी को और शेयर मिलता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर 90 से 95 सीट जो आम आदमी पार्टी के हिस्से में आती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद से अगर एनसीपी कांग्रेस की बात की जाए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 20% वोट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जिसने पिछली मर्तबा टक्कर दी थी, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उन्होंने हराने का यहाँ पर मुकाबला पिछली मर्तबा किया था, वो यहाँ पर उनकी वोट शेयर कम होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर 10 से 12 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नज़र आ रही है। उसी के साथ ही साथ अगर मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की अगर बात करूं तो यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी 8% वोट लेती हुई गुजरात के अंदर दिखाई दे रही है और उनको भी यहां पर 5-6 सीटें आने का अंदेशा लगा हुआ है। जी हां, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वोट शेयर कटा हुआ है उसका जिस तरह से लगातार वो खिसकती हुई नज़र आ रही है और मजलिस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर जिस तरह से अपने काम के ज़रिए से एक नई पहचान बनाई हुई है, उन्हीं का वोट शेयर उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और मजलिस अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती है वो, तो यहाँ पर एक नई तारीख रकम होगी। तो आप सब मिलकर ऐसे ही मजलिस का साथ दें। मजलिस से जुड़ी हुई छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।